सो ही गाइस, आज हम इस वीडियो में कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं और इसमें जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज़ हो रहे हैं उन सभी का लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर रेगुलर नए नए पोस्ट डालता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेना है। फिर आपको चले आना टूल्स में और यहाँ पर आपको रिसाइज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अमाउंट को 5000 के आसपास रख देना है। फिर आपको डन पर क्लिक कर देना है और नीचे जो ये नंबर लिख के आ रहा है इसको आपको अप्लाई कर देना है। जैसे मेरा नंबर है 3098, इसको आपको लिख कर रिसाइज पर क्लिक कर देना है। फिर आपको चले जाना ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में चले जाने के बाद आपको एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ से पहले से ही क्रिएट है, तो यहाँ से आपको चले जाना ऐड फोटो पर और यहाँ से अपने मॉडल की पीएनजी को आपको ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद फिर आपको कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड के ऊपर इसको एडजस्ट कर देना है। अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आपको अपने मॉडल को रखना है। तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से अप्लाई कर देता हूँ। फिर आपको लेयर पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेना है। फिर आपको इसको अपने मॉडल के नीचे कर देना है। फिर आपको ब्रश वाले ऑप्शन पर जाके साइज़ को 50% के आसपास कर देना है और हार्डनेस को भी आपको 50% के आसपास कर देना है। फिर आपको जूम करके अपने जूतों के नीचे यहाँ पर हार्डली शैडो क्रिएट कर देना है। तो जिस टाइप से मैं क्रिएट कर रहा हूँ आपको भी इसी टाइप से क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से दोनों शूज़ के ऊपर शैडो को क्रिएट कर लेता हूँ। शैडो क्रिएट हो जाने में फिर आपको चले जाना है ब्रश वाले ऑप्शन पर, साइज़ को फुल कर लेना है, हार्डनेस को जीरो कर देना है और ओपेसिटी को आपको उतना ही रहने देना है, मतलब 50% के आसपास कर देना है। फिर आपको अपने पैरों के नीचे कुछ इस टाइप से शैडो को क्रिएट कर लेना है। जैसे पीछे लाइट आ रहा है तो उसी हिसाब से शैडो को क्रिएट करना है ताकि ज़्यादा मतलब बेकार ना लगे, हमारा शैडो रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ पर हमारा शैडो क्रिएट हो चुका है। फिर आपको डन पर क्लिक कर देना है और ड्रॉ टूल से बाहर चले आना है। फिर आपको चले जाना है ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर चले जाने के बाद आपको क्या नाम है, एक पीएनजी को ऐड कर लेना है जो कि है डस्ट पीएनजी, और एक आपको यहाँ पर शैडो पीएनजी मिल जाएगा, उसको भी आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको शैडो पीएनजी को कुछ इस टाइप से बड़ा करके नीचे आपको इसको एडजस्ट कर देना है। फिर आपको लेयर पर क्लिक करके इसको मूव डाउन कर देना है। तो यहाँ पर मैं लेयर पर क्लिक कर इसको मूव डाउन कर देना है आपको, और फिर आपको सेकंड वाले पीएनजी को कुछ इस टाइप से बड़ा करके इसको आपको ब्लेंड पे जाके इसको स्क्रीन कर देना है। फिर आपको इसको भी मूव डाउन पर क्लिक कर देना है लेयर पर क्लिक करके। फिर आपको डन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको चले जाना है ऐड फोटो पर और आपको एक लोहा टाइप का जो होता है ना सीकर, वही पीएनजी को आपको ऐड कर लेना है। सभी के डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको इसको फुल फोटो में अप्लाई करके इसको सेव करके लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर देना है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो ओपन हो चुका है। फिर आपको ऑटो पर क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक लाइट को एडजस्ट कर लेगा। शैडो को बढ़ा लेना है आपको और यहाँ से शैडो बढ़ा लेने के बाद फिर आपको वाइट्स क्या नाम है कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा कम कर देना है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर वाइट्स को हल्का सा आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। तो यहाँ से मैं वाइट को अप कर देता हूँ। फिर आपको चले जाना है नीचे वाले टूल पर, कॉन्ट्रास्ट को मैं हल्का सा और कम कर देता हूँ। फिर आपको चले जाना है नीचे वाले टूल पर और वाइब्रेंस को हल्का सा बढ़ा लेना है आपको। वाइब्रेंस बढ़ा लेने में फिर आपको चले जाना मिक्स वाले टूल पर और अपने चेहरे के कलर पर चले आना है, और इसकी ह्यू को आपको येलो टोन की ओर रख देना है, और सेचुरेशन को आपको हल्का सा कम कर देना है, लुमिनस को आपको हल्का से बढ़ा लेना है, और फिर आपको रेड वाले टोन पर चले आना है। तो रेड वाले टोन पर चले आना, इसकी ह्यू को भी आपको थोड़ा येलो टोन की ओर रखना है और सेचुरेशन को बढ़ा देना है, और वाइट्स को भी आपको हल्का सा बढ़ा देना है, मतलब लुमिनस को आपको बढ़ा देना है। और फिर यहाँ पर जो ब्लू वाला कलर है इसकी ह्यू को आपको माइनस को रख देना है, और ग्रीन वाले ह्यू को भी माइनस को रखना है। तो पीछे मुझे ऑरेंज टोन देना है, तो इसी हिसाब से मैं कलर को मिक्स कर रहा हूँ। आपको अपने हिसाब से कलर को मिक्स करना है। फिर आपको यहाँ पर सारा काम हो जाने के बाद फिर आपको डन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैं हल्का सा तो इसको अब डन पर क्लिक कर देना। फिर आपको नीचे वाले टूल पर चले आना है, टेक्स्चर को आपको 10% के आसपास रख देना है और क्लियरिटी को भी आपको 10% के आसपास रख देना है। तो यहाँ पर विगनोट को आपको हल्का से कम कर देना है। नीचे चले आना है, शार्पनेस को आपको बढ़ा देना है, फुल कर देना है, और मास्किंग नॉइस रिडक्शन इसको अपने हिसाब से बढ़ा लेना है। फिर आपको चले आना है सिलेक्टिव वाले टूल पर और ऊपर से कुछ इस टाइप से ग्रेडियंट मान लेना है, और इसकी सेचुरेशन को आपको अप कर देना है। तो यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो इसको मैं हल्का सा कम कर देता हूँ। फिर आपको डन पर क्लिक करना है। सो गाइस, यहाँ पर बिफोर हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप की थी, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी फीकी फीकी सी लग रही है कलर एडिटिंग ना होने पर, और जो कि नकली भी लग रही थी
जैसे हमने कलर एडिटिंग की, हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप की बन चुकी है जो कि देखने में काफ़ी रियलिस्टिक और ऑसम सी लग रही है। सो गाइस, अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।